वंदना मैम, तो ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी है ना, ये तो फैसला तो हो चुका है जिसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे थे। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, इस पे सिर्फ स्टैंप करके उनको सिर्फ अनाउंस करना होता है। ये 6 तारीख को होता है और उसके बाद में इनका सेरेमोनियल होता है 20 जनवरी को। ये सदियों से चल रहा है और अब भी चलेगा। और इसी स्वरूप में जिस तरह से 2017 में हुआ था, अभी 2021 हो गया, हो रहा है, फिर 25 में भी होगा और आगे भी चलता रहेगा। अमेरिका ऑलवेज बाउंस बैक, अमेरिका विल बाउंस बैक अगेन, इट नेवर स्टॉप। आज की जो घटना हुई है, इसका घटना क्या, दुर्घटना जो कहें आप, जो मर्जी कहें, है ये पूरा नहीं जाएगा डेमोक्रेसी। ठीक है मैम, आपकी आवाज़ शायद कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ में थोड़ा रुक रुक कर आ रही है, लेकिन इस बीच दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें गवाह हैं कि अमेरिका कहां से कहां तक पहुंचा है पिछले कुछ घंटों में। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका किन हालात से एक बार फिर उभर रहा है और अमेरिका दुनिया का सुपर पावर मुल्क कैसे एक समय बेबस सा नज़र आ रहा था, वो फिर से अपनी पटरी पर लौटता हुआ। एक तरफ संसद की कार्यवाही की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो हंगामा देख रहे हैं जो ट्रंप समर्थकों ने किया। इस कदर हंगामा काटा, इस कदर दंगा किया, इस तरह बवाल किया कि संसद तक पर कब्जा कर लिया। जिस संसद से इस वक्त आप लाइव कार्यवाही देख रहे हैं, इस जगह तक घुस आए का दंगाई, इस जगह तक घुस आए प्रोटेस्टर्स और इस जगह पर आकर उन्होंने तोड़फोड़ की। सेनेटर्स को यहां से जान बचाकर भागना पड़ा, कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ा, सुरक्षित निकालना पड़ा सेनेटर्स को यहां से। और अब ये दो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिलहाल किस दिक्कत से इस वक्त जूझ रहा है। ये देखिए एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रंप समर्थकों ने हंगामा किया और पुलिस ने फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको वहां से भगाया, खदेड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त अमेरिका से आती हुई जहां पर आप देख सकते हैं कैसे ट्रंप समर्थक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको वहां पर रोका जा रहा है, पुलिस उनको वहां से खदेड़ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पेंस का जिक्र हो रहा था, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी। वो अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने अमेरिका की संसद में जो संबोधित किया, क्या कहा उन्होंने ये सुनाते हैं आपको। हिंसा करने वाले की जीत नहीं होगी, ये कह रहे हैं माइक पेंस। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं वो, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने कहा है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो हिंसा करने वालों की जीत नहीं होगी, ये कह रहे हैं माइक पेंस। मनीष, क्या ट्रंप को मैसेज दे रहे हैं क्या माइक पेंस? देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आज अगर हमने अमेरिकी संसद पर हमले को देखा है, तो वहां पर यह भी देखा है कि अमेरिकी संसद को मजबूत करने वाले नेताओं में किस तरह का जज्बा है, और उस जज्बे का प्रतीक है अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस, जो पिछले 4 साल तक छाया की तरह से कहें, साये की तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहे। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा कि आप एक गैर संवैधानिक काम करिए, तो उन्होंने ना सिर्फ पहले खारिज किया, बल्कि जो जानकारी मिल रही है कि जब प्रदर्शनकारी उस बिल्डिंग में गए, तब उन्होंने उस बिल्डिंग को खाली करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को छोड़कर यहां से नहीं जा सकता, वहां बने रहे। और फिर उन्होंने कहा कि हम अपना अधूरा काम का पूरा करेंगे। और अभी जो संसद की दोनों सदन की संयुक्त सदन की बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उपराष्ट्रपति माइक पेंस, और उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले की हम जीत नहीं होने देंगे और अमेरिका की जो स्पिरिट है उसको हम बरकरार रखेंगे। जी, यहाँ पर मनीष जो आप बता रहे हैं ये बहुत अहम बात है, और माइक पेंस का जिक्र ज़रूर होगा जब भी इस घटना का जिक्र होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे क्या कहा और उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूज किया। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।